दूरदर्शन केंद्र जम्मू द्वारा शास्त्रीय नृत्य, मुख्य नृत्य परंपराओं व लोक नृत्य की श्रेणी में बी ग्रेड में डांस कैटेगरी में ऑडिशन के लिए दरखास्तें मांगी गई हैं। जम्मू संभाग के प्रार्थी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र प्रसार भारती की वेबसाइट http://prasarbharti.gov.in/program-guidelines पर उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप दूरदर्शन केंद्र जम्मू से भी सोमवार से शुक्रवार के बीच ऑफिस आवर्स में प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से इस पते पर जमा करवाएं। डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र जम्मू, टाली मोड़, ओल्ड जानीपुर, पिन 180007। दरखास्तें भेजने की आखिरी तारीख 25 जुलाई सन 2023। एक से अधिक श्रेणी में ऑडिशन देने के इच्छुक प्रार्थियों को अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। अधिक जानकारी के लिए इन टेलीफोन नंबर्स पर सोमवार से शुक्रवार के बीच संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हैं 700-54-60396 और 946921381। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 700-54-60396 और 946921381। जम्मू शहर की शायद के कोई ऐसी नुक्कर या कोई ऐसी थार हो जिथे कोई ना कोई प्राचीन मंदिर या धार्मिक स्थान मौजूद नहीं है। शायद ये गल है जो जम्मू की मंदिरें वाला शहर अजा तो नहीं बल्कि कई बरें तो आख्या जा करता है और ये गल हर रूप च सच साबित होती है। जम्मू के कुसी भी महल्ले चली जाओ, कुसी भी कलोनी च चली जाओ, कुसी भी थारा पर चली जाओ तो कोई ना कोई मंदिर या जी पवित्र थार है वो उत्थे जरूर दिखने की लगती है। इंदे चा कई जड़े मंदिर न धार्मिक थार उनका संबंध बड़े पुराने समय कन्ने है, वो प्राचीन उनका बड़ा मता महत्व पहले भी है अज भी है। उदे अलावा कई लौके लौके मंदिर भी इस शहर च मौजूद न जिनका संबंध देवी देवताएं करने है, कई का मकामी देवताएं करने है, पर लोगों की श्रद्धा हर मंदिर कन्ने हर देवी देवता कन्ने एक समान है। इस चाली का एक मंदिर है जम्मू शहर के तकरीबन बिल्कुल अगर आखो तो मध्य च यानी विचकार उसी पंच बख्तर मंदिर आखते हैं। यह मंदिर मनिया जाता है कि जम्मू के जेडे प्राचीन सभी को पुराने मंदिर उनके चा एक है। दरअसल यह मंदिर नहीं है लौके लौके मंदिरों का एक बड़ा बड़ा समूह आख्या जा सकता है। मुख जो पंच बख्तर मंदिर है वो अखें चौख्या नेक लौके लौके मंदिर न इस तरीके ये मंदिरों का एक पूरा समूह बनी गया है। पंचबख्तर मंदिर जड़ा है ये भगवान शिव की गया समर्पित है। इस मंदिर च भी भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप च गया विराजमान पर इस मंदिर च विराजमान शिवलिंग की स्थापना दसा जाता है कि बड़े चिर पहले
अज को तकरीबन 1687 और 1703 के विचकार जिसल इतें राजा गुजे सिंह हो रहे उनके दौर करवाई गई ही। पर लोगों का यह आखना है जे ये शिवलिंग जड़े स्थापित नहीं करवाए गए बल्कि स्वयंभू तौर पर प्रकट हो जाए इतने सिर्फ मंदिर का निर्माण करवाया गया। इत जी शिव प्रतिमा है वह पंज मुखी है यानी कि उनके पंज चेहरे ने उस पंज चेहरे होने कारण गै इस मंजर की पंचवक्तर यानी पंजे चेहरे वाला मंदिर आखते हैं। डोगरी च नेक लोग पंचवक्तर नहीं आखते पंज वक्तर आखते हैं। पंच ते पंज दा फर्क डोगरी च वैसे भी है हिंदी च पांच है डोगरी च पंज है। इत्थे भगवान शिवलिंग अपने पारंपरिक रूप च एक जलहरी पर स्थापित न इस जलहरी की चांदी जड़े बनाया गया है। लोग बड़ी श्रद्धा करने पुष्प बिलपत्री भांति भांति के फुल अर्पित करते हैं ते धूप दीप जलाइए अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। नेक लोग दुग्ध स्नान कराते हैं कई लोग दही भी चढ़ाते हैं नेक लोग शहद कने भी स्नान कराते हैं। भगवान शिव की भांति भांति के स्नान करवाने का एक जरा रिवाज है परंपरा वह सदियों थमां चलती आवा करती है। मनिया जाता है कि जलहरी के अखे च आख्या डोगरी च गै लिपि च किश अक्षर जड़े ने वह लिखे गए हैं और ये उस दौर दे गया है। इस मंदिर की दूई खासियत जी है जिसी लोग जम्मू के लोग रुपये वाला मंदिर भी आखते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर का नाम रुपये वाले मंदिर क्यों पिया यह भी एक अपने आप दिलचस्प गल है। दरअसल भगवान शिव की समर्पित इस मंदिर के जोड़ा मुख द्वार है मुख जोड़ा भवन है वह फर्श जोड़ा बने उतें धरती पर नेक चांदी के रुपये जोड़े वो धरती पर जड़े गए रहे धरती पर जड़े दे उन्हें रुपये कारण इहदा नाम मकामी लोगों या इतों के जोड़े स्थानीय लोग उन्हें रुपये वाला मंदिर भी रखी दिता। मते सारे लोगों का यह भी मानना है जे इस थारा पर कदें हिंदू धर्म के जोड़े एक बड़े प्राचीन संत हे बड़े मशहूर संत हे शंकराचार्य जी वह भी इतने आए हे उस जमाने। दरअसल जिस सदी की अस गल करा करने 1687 को लेकर 1703 ईस्वी धोड़ी जदों राजा गुजे सिंह हुंदी इत्थे हुकूमत ही उस दौरान इत्थे आबादी नहीं ही बल्कि बड़े खूबसूरत छाएदार बूटे के घने जंगल है जिंदे पर भांति भांति के पखरू भांति भांति की बोलियां बोलते हैं भांति भांति के फुल भी कुदरती तौर पर लगे दे है ते ए जगह अपने आप च बड़ी मनमोहनी ही। हर सोमवार इतने सैकड़ों बड़े श्रद्धालु शीतल जल अर्पित कर और फुल पुष्प ते बिलपत्री दूध दही गंगा जल ते शहद अर्पित करने ले बड़ी श्रद्धा करने आते हैं। कई लोग परिवार करने आते हैं कई लोग इकले आइए भी अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं। इस मंदिर च मौजूद कई प्राचीन बूटे जिहड़े ने इस गल का सबूत जे इत्थे सच्चे गै कुछ जमाने बड़ा घना जंगल रहा होना मंदिर का निर्माण करने वाले और उदे बाद जिहड़ा इहदे च होर सुधार किया गया उन्हें भी कोशिश की जो उन्हें बूटे की उनके अपने स्वरूप च रौन दिता जा। मंदिर के अखे च वखे जिहड़े लौके लौके मंदिर बने उनके च भी नेक देवी देवताएं दी प्रतिमा जिहड़ियां ने स्थापित ने। एक लौके जे मंदिर च भैरों भी स्थापित ने भगवान शिव कन्या भैरों जी ते वीर हनुमान जिहड़े हमेशा कन्या चलते रहे इस कारण उत्थें भगवान जिहड़े शिव ने उनके जिहड़े चेले चा एक भैरों की प्रतिमा एक पासे स्थापित की गई है।
शिवें गी ते सूरज भगवान की जल अर्पित करना हिंदू धर्म च बड़ा गै लाभकारी ते पुन्न वाला काम समझा जाता है। मंदिर के इस अहाते च एक लौके जे मंदिर च मां भगवती की प्रतिमा भी विद्यमान है। मां प्रतिमा की फुल्लें कने सुसज्जित किया गया है, मुकुट लवाया गया है, ते उनके जेड़े बाकी आभूषण वह भी परंपरा मुताबक लवाए गए हैं। मंदिर की भी सजावट बड़े सनाखड़े ढंग कन्नै कीती गई है। और भी जेडे दुए मंदिर उत्थे विद्यमान उन्दे चा एक मंदिर जेड़ा वह हनुमान होरें गी वह समर्पित है। दस्या जांदा है कि हनुमान जी भी जेड़े ओह पैरों दे कन्ने चलते हे, भगवान शिव दे जेड़े दो आराध्य मन्ने जांदे हे, जेड़े चेले समझे जांदे हे, उन्दे च हनुमान जी भी शामिल। हालांकि यह बड़ी एक दिलचस्प गल है कि हनुमान जी रामचंद्र जी दे सेवक हे पर भगवान शिव हुंदे भी चेले च शामिल है। यह भी दस्या जांदा जे जिसलै भगवान शिव ब्याह करन गए हे गौरां कन्नै तां जिहड़ी ओह जानी ही उहदे च सारे कोलों पहले रोटी खाने उन्हें भैरों हनुमान होरें गै भेजिया हा, जिन्हें हिमाचल गी यानी गौरां दे उस पिता गी उहदा ओह कमंड तोड़ी दित्ता हा जे मैं लोकें गी साल भर रोटी खिलाई सकना। पंचवक्तर का यह मंदिर जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर कोला तकरीबन कोई अद्धा किलोमीटर के छिंडे पर है। इस मंदिर जियां दसिया कि निक्के निक्के मंदिर भी हैं, उनमें से एक मंदिर श्री गणेश जी की समर्पित है। शिव मंदिर श्री गणेश जी की प्रतिमा परंपरा मुताबक हर थारा पर स्थापित की जाती है।